purpose of calling this press conference was very specific. मैं हिंदी और इंग्लिश में मिक्स बोलूंगा बिकॉज देयर आर हिंदी एंड इंग्लिश चैनल्स बोथ. सो मैं आपको पहले पर्पस बता दूं ताकि देयर इज नो कंफ्यूजन एंड द क्वेश्चंस आर आल्सो अकॉर्डिंगली एड्रेस्ड, यू नो, अकॉर्डिंगली आस्क्ड. सी द पर्पस इज दैट देयर इज एन इंटरनेट प्लेटफॉर्म जहां पे लोग पिक्चर अपनी अपलोड करते हैं. आमतौर पर जो पिक्चर आप अपलोड करते हैं उस टाइम पे आपको वो दिन और वो तारीख, सॉरी वो दिन और वो टाइम आ जाता है कि आपने किस टाइम पे अपलोड किया है. बट ऐसे भी वेबसाइट्स हैं जिसमें आप अपलोड कर सकते हैं और अब मतलब आज की शूटिंग मैं 4 साल पहले दिखा सकता हूँ कि 4 साल पहले की शूट हुई है. तो इसी वजह से ये एक्सपोजर जो है ये हम आपके सामने लेके आ रहे हैं कि हमारा काम जो हमने आज किया है और जो हम आज अगर वेबसाइट पर अगर हम उसको अपलोड करते हैं तो आप वही काम को कॉपी करके आप 3 साल पहले दिखा देंगे कि मैंने आपकी फिल्म कॉपी की. आप समझे? तो ये इस तरीके की बदमाशियां होती हैं इंटरनेट पे, वो चीज़ हम लोग आपके सामने लेके आ रहे हैं डेमोंस्ट्रेट करके. तो कोई शादी का वीडियो शूट करने वाला बीच में कुछ हैंडीकैम लेके कुछ घंटों में शूट करके ये जो आपको टेक्निक बताया जा रहा है उसको यूज़ करके, उसका जो सिस्टम में फ्लॉ है वो यूज़ करके पुराने डेट डाल के और कोई डालता है और बोलता है कि इन्होंने मेरी चुराई है और सब टूट पड़ते हैं. अच्छा, पब्लिक ये बात नहीं मान रही क्योंकि यूट्यूब में हमारे कॉन्स्टेंटली व्यूज़ बढ़ रहे हैं, 1 मिलियन 2 मिलियन 3 मिलियन रेस्पॉन्सेज बहुत अच्छे हैं. सिर्फ 3 लोग हमको अटैक कर रहे हैं इसमें, वो 3 बता दूँ कौन है. एक है बहुत सारे नेपाल के सिटीजन्स, ठीक है ये मुझे समझ में आ जाता है उनका लॉजिक क्या है, क्यों वो देशभक्ति है उनका, उनको लगता है हमारे आदमी के साथ हुआ. अब उन बेचारों को क्या पता कि फ्रॉड ने क्या किया. दे हैव बीन मिसगाइडेड कंप्लीटली. अब वो देशभक्ति में कर रहा है, आई अंडरस्टैंड वाई दे डू इट एंड दे आर राइट अगर सपोर्ट करते हैं तो, क्योंकि उनको पता नहीं है, अभी सच पता चलेगा. तो दूसरा, सोशल मीडिया पर जो ट्रोल्स होते हैं वो लोग भी मुझे समझ में आता है क्यों करते हैं, उनका तो काम ही ट्रोल करना है, चाहे किसी की लाइफ में कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रोल करे. तीसरा मुझे आज तक समझ में नहीं आया, इसका जवाब आप ही दे दो, मीडिया खास करके हमारी. जब शुरू में ये मीडिया जब हमको बोला कॉपी कॉपी, मुझे लगा शायद उनको टेक्निकलिटी समझ में नहीं आ रहा है वीमियो का, कि ये पुराना डेट जो प्राइवेट है, हाँ शायद उनको समझ में नहीं आ रहा कि जो चीज़ पब्लिक में ही जब मई में आई उससे पहले थी नहीं, वो हम कैसे देख सकते थे. अच्छा, मुझे ये समझ में आता है कि कभी कभी क्या होता है कि मेरे को मज़ा आता है कि कोई कामयाब आदमी हो तो उसको गिराओ. चलो मैं तो कामयाब भी नहीं हुआ, मैं नीचे हूँ और कितना गिरा हुए. तो सला दो, आई एम कम्प्लीटली, सो दैट इज़ वाई दिस एक्सपोज टू शो टू ऑल ऑफ यू, होपिंग दैट विद द सेम एंथुजियाज्म दैट यू दैट यू सपोर्ट अस इन दिस. या बिकॉज अभी क्या है कि हम सब जगह पे सोशल मीडिया इधर उधर जो है सब ने कह दिया कीर्ति इज बिन रिमूव्ड, कीर्ति को अब ने चुराया. अब आप प्लीज़ लिखिए कि भैया कि हमें आगे जो है हमें वो इज्जत वापस चाहिए, क्योंकि कीर्ति ने, कृति ऐसी कोई फिल्म नहीं थी जो कि आई और लोगों ने उसकी बुराई की. कृति एक ऐसी फिल्म थी जो 15 मिनट 18 मिनट का होते हुए भी लोगों को एक फीचर फिल्म का पूरा मजा दे करके और अचानक से उसको बंद हो गई किसी साजिश के तहत. तो मैं चाहता हूं कि मीडिया हमको इसमें सपोर्ट करे और वापस से हमारी जो इज्जत जो चली गई थी वो वापस हमको ला के दे इसी में. और वो आप ही कर सकते हैं, आपके अलावा कोई नहीं कर सकता है. आपके सामने हम अपनी पोजीशन और भी क्लियर करने आए हैं, हम तो लगातार किए जा रहे हैं, जबकि हमको ज़रूरत नहीं थी, जबकि हमारे ऑडियंस ने इतना सपोर्ट किया और आगे भी सपोर्ट करने वाले थे. तो हम कम्प्लीटली विक्टिमाइज्ड हुए हैं इस पूरे चीज़ में. हमारा विक्टिम कोई नहीं है, हमारा कोई विक्टिम नहीं है. मैं आपको सही बता दूं, हमने किसी को विक्टिमाइज नहीं किया है. हमने अपनी फिल्म बनाई थी, एक आदमी जिसको कोई काम नहीं था उठ करके उसने एक इल्ज़ाम लगा दिया और सबने हाथों हाथ ले लिया बिना ये जाने हुए कि इसमें तथ्य क्या है, फैक्ट क्या है. सामने सामने फैक्ट था, किसी ने उस पर भरोसा, सबने उसको दरकिनार कर दिया. भरोसा की बात तो छोड़ ही दीजिए,